हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एबीएल ट्री के बारे में। तो एबीएल ट्री क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एबीएल ट्री आर आल्सो कॉल्ड एज सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। ये क्या होता है? एक सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्री होता है, अपने आप को जो है खुद बैलेंस करता है। इस तरीके का ये है बाइनरी ट्री होता है। किस तरीके का दिखता है ये? इस तरीके का दिखता है जैसे कि आपने बाइनरी सर्च ट्री देख रखा है कि जो लेफ्ट नोड है वो छोटे होंगे और राइट नोड है वो बड़े होंगे। ठीक है। द ट्री इज एन एबीएल ट्री बिकॉज बिकॉज इट इज ए बाइनरी सर्च ट्री, है ना। ये क्या कहलाता है? बाइनरी सर्च ट्री कहलाता है डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री ऑफ एवरी नोड इज एट मोस्ट वन, है ना। इसका जो लेफ्ट सब ट्री होता है और राइट सब ट्री होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो एट मोस्ट वन हो सकता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा वन हो सकता है। इसका डिफरेंस जीरो भी हो सकता है, माइनस वन भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो है एट मोस्ट वन हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि एक ट्री दे रखा है ना, ये एक ट्री दे रखा है। तो अब इसका हम कैसे निकालेंगे, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। पहले जो सबसे नीचे वाला नोड है ना, जो नीचे वाला नोड है, इसका हम पहले लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री देखते हैं। तो जो इस वाले नोड का लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री जो है कुछ नहीं है, तो इसका डिफरेंस जीरो हो गया। ठीक है, अब ये फोर वाले नोड का देखते हैं। फोर वाले नोड का लेफ्ट सब ट्री कितना है? लेफ्ट सब ट्री मतलब वन है और राइट सब ट्री मतलब जीरो है। तो वन माइनस जीरो मतलब वन हो गया। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वन हो सकता है। ठीक है, फिर फाइव नोड का देखते हैं। लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री कितना है? इसका हाइट है टू, ठीक है, और राइट सब ट्री की हाइट है जीरो। तो टू माइनस जीरो मतलब टू हो गया। तो ये जो है अनबैलेंस ट्री हो गया। ठीक है, तो ये है अनबैलेंस ट्री हो गया, तो इसको हम जो है एबीएल ट्री नहीं बोलेंगे। ठीक है, दिस इज नॉट एबीएल ट्री। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। जैसे कि ये एक ट्री दे रखा है, ये जो है लेफ्ट साइड में ही जो है ग्रो करता दिख रहा है आपको, है ना। तो नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड सो दैट बाइनरी ट्री, है ना। ये जो है बाइनरी ट्री है लेकिन ये एबीएल ट्री नहीं है। ठीक है, अगर इसका आप बैलेंस निकालेंगे तो 10 का बैलेंस जो है जीरो हो जाएगा, है ना, और 20 का बैलेंस निकालेंगे तो इसके लेफ्ट सब ट्री में वन नोड है और इसके राइट सब ट्री में जीरो है, तो इसका बैलेंस वन हो जाएगा, है ना। 30 का आप बैलेंस निकालेंगे, है ना, तो इसके लेफ्ट सब ट्री में कितने हैं? टू नोड है और इसके राइट सब ट्री में जीरो नोड है, तो इसका टू बैलेंस फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर टू बैलेंस फैक्टर हो गया तो ये जो है हमारा एबीएल ट्री नहीं होगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं बैलेंस फैक्टर, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। बैलेंस फैक्टर ऑफ एवरी नोड इज आइदर जीरो और वन और माइनस वन, है ना। किसी भी ट्री का अगर बैलेंस फैक्टर निकालना है या किसी भी नोड का बैलेंस फैक्टर निकालना है, वो तो जीरो हो सकता है या वन हो सकता है या माइनस वन हो सकता है। द बैलेंस फैक्टर ऑफ ईच नोड आइदर जीरो और वन और माइनस वन इफ नॉट यूज द रोटेशन, है ना। अगर हमने रोटेशन को यूज नहीं किया है तो हमारा जो है बैलेंस फैक्टर या तो जीरो वन या माइनस वन हो सकता है। ठीक है, रोटेशन कैसे लगाते हैं ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर चेक करना होता है। अब जो भी ट्री आपको मिलेगा उसके हर एक नोड का आपको बैलेंस फैक्टर चेक करना होता है। बैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं? जैसे एच टी एल लिखा हुआ है, ये एच टी की पावर एल लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, ठीक है, माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, है ना। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो माइनस वन हो सकता है, जीरो हो सकता है और वन हो सकता है। अगर इन तीनों में से इन तीनों में से अगर बैलेंस फैक्टर आया तो हमारा जो है ट्री जो है एबीएल ट्री कहलाएगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक ट्री दे रखा है, 50 के लेफ्ट में 20 है और राइट में 60 है ना। तो पहले 20 का हम बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। जब 20 का बैलेंस फैक्टर निकालेंगे तो लेफ्ट सब ट्री कितना है और राइट सब ट्री कितना है, तो जीरो जीरो है, दोनों कुछ नहीं है, तो इसका बैलेंस फैक्टर जीरो हो गया। ठीक है, वहीं 50 का निकालते हैं, 50 का बैलेंस फैक्टर कितना है? 50 के लेफ्ट सब ट्री में कितने ट्री है और लेफ्ट सब ट्री में कितने नोड है और राइट सब ट्री में कितने नोड है, तो लेफ्ट में वन है और राइट में भी वन है, तो वन माइनस वन मतलब जीरो हो गया। ठीक है, तो ये भी जो है हमारा एबीएल ट्री कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है बैलेंस है। ठीक है भाई, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम 20 के चेक करेंगे, 20 नोड का जो है बैलेंस फैक्टर कितना होता है। तो इसके लेफ्ट सब ट्री में लेफ्ट सब ट्री का नोड और राइट सब ट्री का नोड जो है जीरो जीरो है, तो जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर वही 30 का अगर निकालेंगे तो 30 का जो है लेफ्ट सब ट्री जो है वन है और राइट में जीरो है, तो वन माइनस जीरो कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा।
चुके हैं, वहीं 40 का अगर हम निकालेंगे बैलेंस फैक्टर, तो 40 में लेफ्ट में कितने हैं नोड है, लेफ्ट में जो है 2 नोड है और राइट में जो है 1 0 नोड है, ठीक है। तो 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये जो है 2 हो गया, है ना, है ना। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन ये 2 हो गया, तो ये जो है अनबैलेंस्ड है, तो इस पे हम जो है रोटेशन अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा जो है एवीएल ट्री नहीं है, एवीएल ट्री जो है हमारा ये नहीं है, ठीक है। अब हम रोटेशन कैसे लगाते हैं इसके बारे में हम देखने वाले हैं। रोटेशन जो है 4 तरीके के होते हैं, एक होता है एलएल रोटेशन, एक होता है आरआर रोटेशन, एक होता है एलआर रोटेशन और एक होता है आरएल रोटेशन, है ना। एलएल रोटेशन में जो है लेफ्ट रोटेशन बोलते हैं इसको, है ना, और आरआर रोटेशन को क्या बोलते हैं, राइट रोटेशन बोलते हैं, और एलआर को बोलते हैं लेफ्ट राइट रोटेशन बोलते हैं, और आरएल को बोलते हैं राइट लेफ्ट रोटेशन, ठीक है। तो एक एक करके रोटेशन कैसे लगाते हैं इसको समझते हैं। पहला रोटेशन देखते हैं एलएल रोटेशन, है ना, लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। मान लीजिए आपको इस तरीके का कोई ट्री दे रखा है ना, लेफ्ट साइड में बनता हुआ ट्री है, ठीक है, क्योंकि इसके नोड जो है लेफ्ट साइड में ही ग्रो हो रहे हैं, तो इसमें जो है हमें एलएल रोटेशन दिख रहा है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि ये 30 जो है 30 का अगर हम बैलेंस निकालेंगे तो इसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री 0 0 है, तो इसका जो है बैलेंस 0 हो जाएगा, है ना। 40 का लेफ्ट में 1 है और राइट में 0 है, तो इसका अगर बैलेंस फैक्टर निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। वहीं अगर 50 की बात करें तो 50 में लेफ्ट में जो है 2 नोड है और राइट में है 0 नोड है, तो इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो इसका बैलेंस 2 आ जाएगा। इसका बैलेंस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका जो बैलेंस फैक्टर बिगड़ रहा है ये 2 नोडों से बिगड़ रहा है, ठीक है। इसका जो बैलेंस फैक्टर बिगड़ रहा है वो 2 नोडों से बिगड़ रहा है ना, तो इसमें हम एलएल रोटेशन लगाएंगे, ठीक है। एलएल रोटेशन क्योंकि लेफ्ट की तरफ ही ये नोड लगे हुए हैं, ठीक है, तो इसमें एलएल रोटेशन लगाएंगे। जब एलएल रोटेशन लगाएंगे तो जो 40 वाली है वो सेंटर में आ जाएगी, है ना, और जो 40 से कम है 30 वो लेफ्ट में आ जाएगी, और जो 40 से ज्यादा है 50 वो राइट में आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है एलएल रोटेशन हमारा लग जाता है। फिर हम आरआर रोटेशन की बात करते हैं। आरआर रोटेशन में क्या है, जो हमारा ट्री होगा वो राइट की तरफ ग्रो होता हुआ दिखेगा, ठीक है, राइट की तरफ ग्रो होता हुआ दिखेगा। अब जैसे कि ये 5 वाले नोड की बात करें तो 5 वाले नोड के जो लेफ्ट में 0 नोड है और राइट में 2 नोड है, तो इसका जो अगर हम बैलेंस निकालेंगे तो ये -2 आएगा, क्योंकि लेफ्ट माइनस राइट, है ना, तो लेफ्ट में 0 है और राइट में जो है हमारा 2 है, तो 0 माइनस 2 तो कितना हो गया, -2, ठीक है, तो ये -2 आ रहा है, तो -2 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो नोड है ये अनबैलेंस किस लिए हो रहा है, हमारे जो है लेफ्ट साइड के नोड है ना, लेफ्ट साइड के नोड की वजह से जो है हमारा अनबैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो जो हमारे जो नोड अफेक्टेड हो रहे हैं, मतलब किस वजह से इसमें अनबैलेंस आ रहा है, वो 2 नोड की वजह से जो है अनबैलेंस आ रहा है। एक पहला नोड ये हो गया 7 और दूसरा नोड 9 हो गया, तो हम राइट राइट रोटेशन लगाएंगे, राइट राइट रोटेशन लगाएंगे। अब राइट राइट रोटेशन में क्या होता है, उसी तरीके होता है जो सेंटर की वैल्यू होती है, है ना, जो सेंटर 7 वैल्यू है उस वो बीच में आ जाएगी, है ना, और जो 7 से छोटी वैल्यू है वो राइट में आ जाएगी, जो 7 से छोटी वैल्यू है लेफ्ट में आ जाएगी, और 7 से जो बड़ी वैल्यू है वो राइट में आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारा बैलेंस हो जाता है हमारा आरआर रोटेशन। अब हम एलआर रोटेशन की बात करते हैं, एलआर रोटेशन किस तरीके से लगाते हैं। अब जैसे 90 है ना, 90 के लेफ्ट सबट्री में कितने नोड है, इसके 2 नोड है ना, तो लेफ्ट में 2 नोड है, राइट में कितने हैं, राइट में है 0, है ना, तो 2 माइनस 0 तो 2 हो गया, ठीक है, तो ये अनबैलेंस्ड हो गया, हमारा जो 19 है वो अनबैलेंस्ड हो गया। और किसकी वजह से अनबैलेंस्ड हुआ है, ये 2 नोड की वजह से अनबैलेंस्ड हुआ है, एक तो लेफ्ट की तरफ है फिर एक राइट की तरफ नोड है ना, तो हम इस तरीके के जो अनबैलेंस्ड नोड होते हैं उसमें हम एलआर रोटेशन लगाते हैं। अब हम एलआर रोटेशन में क्या करते हैं, जो सबसे नीचे वाली वैल्यू है ना, 18 दिख रही है आपको, है ना, उसको हम सेंटर में ले आते हैं, मतलब जो सबसे नीचे वाली वैल्यू है उसको हम सेंटर में ले आएंगे, है ना, और जो सेंटर में लाने के बाद जो 18 से छोटी वैल्यू है वो लेफ्ट में आ जाएगी और 18 से जो बड़ी वैल्यू है वो राइट में आ जाएगी। तो जैसे 18 को हम सेंटर में ले आए, फिर उससे छोटी वैल्यू 15 है, 15 को हम लेफ्ट में ले आए, और उससे जो 18 से जो बड़ी वैल्यू है वो 19 वो राइट में ले आए। इस तरीके से जो है एलआर रोटेशन लगता है। एलएल रोटेशन की बात करते हैं, तो एलएल रोटेशन में क्या है, ये एक ट्री है, इसमें जो है 50 की हम बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं, तो 50 के राइट में जो है 2 नोड दिख रहे हैं, एक नोड ये है और एक नोड ये है, ठीक है, इसके लेफ्ट में कोई नोड नहीं दिख रहा है, ठीक है। जब इसका हम बैलेंस फैक्टर निकालते हैं तो 0 माइनस 2 माइनस 1 -2 हो जाता है, 0 माइनस 2 -2 हो जाता है, ठीक है। तो अब ये अनबैलेंस्ड है, अब अनबैलेंस्ड को जो है बैलेंस्ड करने के लिए हम कौन सा रोटेशन लगाएंगे, एक तो
राइट में है नोड, फिर इसके बाद लेफ्ट में है रूट, है ना। तो क्या हो जाएगा, राइट लेफ्ट रोटेशन, राइट लेफ्ट रोटेशन। अब राइट लेफ्ट रोटेशन में किस तरीके से लगाएंगे, जो सबसे नीचे वाली वैल्यू उसको सेंटर में ले आएंगे, उसको हमने सेंटर में ले आया 55, ठीक है। तो इससे 55 से जो छोटी वैल्यू है वो लेफ्ट में आ जाएगी, छोटी वैल्यू कौन सी 50 है ना, लेफ्ट में आ जाएगी, और जो 55 से बड़ी वैल्यू है 60 वो राइट में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आरएल रोटेशन लगाते हैं। सो थैंक यू।